हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आपको आवाज़ आ रही है सही से। अभी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं भाई, आवाज़ तो सही आ रही है या नहीं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की अंताक्षरी आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज। और पहले 10 सवालों के क्वेश्चन आंसर सीरीज। ऑल राइट, तो आवाज़ सही है तो लेट्स स्टार्ट। आज फिर रात को 10 बज गए। एक्चुअली शाम को हम थोड़ा स्लीप स्लीप हो गए थे, थक गए थे थोड़ा राइट नाइट करके। राइट टू नॉट टर्न ऑन। ऑलराइट, लेट्स सी। मलिक त्यागी तैयब जी, 2 दिन पहले साइट पे खड़ा था। अच्छा, दोपहर के टाइम। उसके बाद क्या हो गया? सर में नमनेस, हेड एक फील हो रहा है। ऐसे 1 ईयर पहले भी हुआ था, सीटी स्कैन भी कराया था, वो नॉर्मल था। 1 ईयर पहले इसी समय हुआ होगा। ठंड के टाइम पे ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी नाक बंद है, साइनस है, तो साइनस हेडेक ऐसा होता है जो सर में थोड़ा नमनेस और हेडेक सा होता है, सुनपना सा आता है। मैं कहूँगा आपको कि ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना तो चाहिए ही। अगर नमनेस कंटिन्यूसली आया, हेडेक ज़्यादा है, नंबर 1 आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है, अगर है तो फिर हो सकता है। नंबर 2, वाइटामिन B12। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियंस को B12 नहीं मिलेगा बिकॉज नॉन वेज सोर्सेज से आता है। सो एज अ वेजिटेरियन यू शुड टेक B12 फूड्स, फोर्टिफाइड फूड या B12 के वाइटामिन, और टेस्ट करा लो एक बार विटामिन B12 का, वाइटामिन B12 पता चल जाएगा। अगर उसमें कमी निकलती है तो वो ठीक करने से हो सकता है। बाकी हेडेक के एक्चुअली बहुत से कारण हैं, लेकिन नमनेस ज़्यादातर वाइटामिन डेफिशिएंसीज, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऐसी चीज़ें बताता है, या फिर कोई सर्दी खांसी, इस तरह से सर्दी हो जाए इधर कान के पास और वो थोड़ी बहुत नमनेस आपको फील करवा सकती है टेम्परेरीली। सो इन चीज़ों को टैकल करो, पानी ज़्यादा पियो। राइट, गॉट माई पॉइंट? थोड़ा स्टीम लो, थोड़ा डेली बेसिस पे 2-3 टाइम्स, हो जाएगा ठीक। जगमोहन भंडारी जी, फ्रॉम वेयर आई गेट ल्यूसीन अमीनो एसिड प्रोटीन इन वेज डाइट, हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग? सी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अपना एलानिन पथेरे अमाइनो एसिड है जो असेंशियल अमाइनो एसिड है। रिमेंबर, एक उंगली से काम नहीं होता, लेकिन थंब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम बोलते रहते हैं, है ना। थंब नहीं हुआ तो बाकी उंगली, लेकिन एक्चुअल जो ताकत है हाथ की वो तभी आएगी जब पांचों उंगली होगी। वैसे ही जब सारे असेंशियल अमाइनो एसिड होंगे तभी प्रोटीन बनेगा, तभी मसल बनेगी। सो एक अमाइनो एसिड से काम नहीं चलेगा। ल्यूसीन, ल्यूसीन का रोल ज़्यादा है बिकॉज ल्यूसीन ज़्यादा मात्रा में लगता है और खाने पीने की चीज़ों में भी ल्यूसीन इसीलिए ज़्यादा है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट प्रोटीन वाला, जो कि फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि सारे ही ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स और लेंटिल्स, इनमें एक्चुअली एक चीज़ कम है, जैसे ट्रिप्टोफैन है, मिथायोनिन है, वो कम है थोड़ा सा आपके लेंटिल्स दालों में, वही चीज़ ज़्यादा है, और ल्यूसीन थोड़ा कम है आपके रोटी में, रोटी, राइस, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स में, उनमें। सो आपको समझना पड़ेगा किस में। तो दाल ज़्यादा खाएंगे तो उसमें ल्यूसीन मिलेगा आपको, ल्यूसीन, ठीक है। बाकी ऐसा ल्यूसीन इक्वल मात्रा में चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि ल्यूसीन ही ल्यूसीन, ल्यूसीन ज़्यादा खाओगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, ये थ्योरी नलीफाई हो चुकी है। इसी बेसिस पे BCAAs भी नहीं खाने चाहिए। बाकी उस पर वीडियो बनाने का अभी वक्त नहीं मिल रहा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा वक्त दीजिएगा, बना देंगे। दर्शदीप जी को हेलो। सौरभ, क्या सर, क्या माइनर डॉग बाइट पे कोई वैक्सीनेशन जरूरी है? डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन एवरी ईयर लगता है। जी हाँ जनाब, क्षमा करिएगा, अगर आपका डॉग बाहर के डॉगों से मुठभेड़ करता है, अगर इवन इफ आपके डॉग को रेबीज, एंटी रेबीज वैक्सीन लगी हुई है, तो ये रिकमेंडेशन कहती है कि अगर खेलकूद में डॉग बाइट हुआ है लेकिन गुस्से में डॉग थोड़ा सा हो चुका है या अब गुस्सैल हो चुका है, सो यू हैव टू सी। राइट, डॉग में अगर थोड़ी भी रैबिट सिम्टम है, नहीं भी है, तो भी वैक्सीन ले लेना एक बेटर चीज़ है। इट्स अ वैक्सीन, ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट थिंग। अगर स्क्रैच हुआ है, लिक किया है, तो वो उसका प्रोटोकॉल अलग है, और खून निकला है तो उसको पूरा फिर जीरो, पूरा प्रोटोकॉल होता है 4-5 डोजेस का, वो लेना होता है, ले लेना बेहतर होता है। नहीं लिए तो क्या रेबीज हो ही जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जो खुदा ना खास्ता भूले बिसरे किसी को हो जाए तो फिर वो लाइलाज है, वो नहीं ठीक होती, इसीलिए दे दिया जाता है।
ठीक है। और एक चीज आती है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसकी वो महंगी सी इंजेक्शन होता है, 5-6 हज़ार का आता है या कितना भी, और भी कुछ महंगा होता होगा, वो देते हैं अगर बाहर के कुत्ते ने काट दिया और मांस वास निकल गया, घाव है बड़ा सा, तो आधा घाव में लगता है आधा आपके मसल में लगता है या नीचे लगा सकते हैं मसल में। सो वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो इमीडिएट इफेक्ट देता है। मान लीजिए रेबिड डॉग ने काट दिया, रैबिट डॉग ने काट दिया तो, और वैक्सीन जो है वो तो भाई 0.03 0.47 ऐसा कुछ डोसेज होता है, 0.47 0.28 ऐसा होता है, मेरे को एक्सैक्ट याद नहीं, जमाने हो गए कि वो जब हम इमरजेंसी में काम किया करते थे या LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में साल भर हमने काम किया, उससे ज़्यादा बिजी मतलब है तो सही इंडिया में, लेकिन दिल्ली में है एक वन ऑफ द बिजिएस्ट एमरजेंसीज। एनीवेज बहुत साल पहले की बात है, तो बहुत साल। एनीवेज सर, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो रूटीन बॉडी चेकअप्स कौन कौन से करने चाहिए कि ये प्रोटीन चेक एंड अदर ऑल्सो? प्रोटीन कभी चेक नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता आपकी बॉडी में, जो स्टोर होता है सीरम में अल्ब्यूमिन होता है। लो प्रोटीन आपको दिख जाएगा कि भाई प्रोटीन बहुत लो है, दैट वाइट बी बिकॉज ऑफ लिवर डिसफंक्शन, लिवर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि लिवर का काम होता है आपकी बॉडी में बाकी सारे कुछ मेंटेन रखना, बॉडी में से जो अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्ब करना, और प्रोटीन की मात्रा जो है अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन लिवर से ही बनते हैं, सो बिकॉज असेंबल वही होता है। सो अगर लिवर डिसफंक्शन है तो आपको लो प्रोटीन मिले, हाई प्रोटीन नहीं दिखने वाला कभी भी आपको, क्योंकि बॉडी का बहुत सिंपल है, जितना चाहिए उतना ही रख सकती है वो, उसके ऊपर वो नहीं रखती। तो बहुत ही अति मात्रा में प्रोटीन लोगे तो वो भी आपका स्टोर होगा एज फैट, हाई प्रोटीन आ रहा है दैट मीन्स अ लिटिल बिट थोड़े दिनों के लिए हाई रह सकता है, वो धीरे धीरे वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। सो एज सच कोई लिवर प्रोटीन के लिए कोई चेकअप नहीं है, बट यस रूटीन में हर साल अगर आपकी एज 30-35 के ऊपर है तो एक हेल्थ चेकअप CBC LFT KFT थायराइड लिपिड प्रोफाइल ये सब आपने कराना चाहिए, यूरिन RM ये सब करा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गैरी जी बोलते रहते हैं हमारा नाम बदलो नाम बोलो, है ना गैरी जी, अलग से लिख के कमेंट भी करते हैं, इतने टाइम पे मेरा नाम आया था, है ना, हम सब पढ़ते रहते हैं, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, चाहे आंसर करें ना करें पढ़ जरूर लेते हैं। हेलो सर, माय फ्रेंड हैज बीन डायग्नोस विद ब्रेन ट्यूमर 2 times एंड नाउ ब्रेन स्वेलिंग लास्ट 2 times, कीमो एंड ऑपरेशन वर्क्ड, व्हाई इट रिकर्स एंड व्हाई इज देयर एनी रिस्क फॉर लाइफ, ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑफ ब्रेन। देखिए ब्रेन ट्यूमर बहुत से प्रकार के होते हैं, एक तो बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके के ग्लियोब्लास्टोमा ये वो ये राइट, सो दो कारण होते हैं। अगर तो ब्रेन ट्यूमर फैल चुका है ब्रेन के टिश्यूज़ में, मल्टीपल्स छोटे छोटे डॉट्स हैं या डैने हैं ऐसे बहुत सारे जगहों पे कुछ गुच्छे हैं, तो मेन मास निकालने के बावजूद वो गुच्छे जो है वापस बड़े हो जाएंगे, इसीलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कई बार हम अगर ट्यूमर कैंसर फैल जाए, मान लो शरीर में एक हिस्से से ज़्यादा फैल जाए, तो कीमोथेरेपी देके उसको जितना हो सके एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है कि छोटे छोटे हिस्से पहले मर जाएंगे और बड़ा सा हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर उसको वाइड है जेनो उससे 1-2-3 centimeter इधर 3 centimeter बढ़ के बड़ा सा गड्ढा करके ना काट के उसको निकाल लेंगे कि उसकी एजेस निकल जाए, तो ट्यूमर सारा निकल जाए एक बार में तो फिर वो रिकर नहीं करेगा। लेकिन एक छोटा सा सेल कितना होता है, सेल इतना छोटा होता है माइक्रोस्कोप से दिख जाता है बस, सिर्फ वो भी उससे, इतना छोटा सा सेल भी अगर उसमें म्यूटेशन वाला सेल रह गया तो वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा है, इसलिए कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती कई बार। सो कि कैंसर पे वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पेंडिंग है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, उसको पूरी तरह कवर किया जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन से बात करिए, ये चीज़ें डिस्कस करिए, कौन से प्रकार का ट्यूमर है और कीमोथेरेपी कब तक लेनी चाहिए और उसको मॉनिटर कैसे करें क्लिनिकल मॉनिटरिंग के लिए, कि सर दर्द, सर में आँखों में दिक्कत, वो मॉनिटरिंग के बारे में थोड़ा डॉक्टर से सीखिए समझिए, राइट, वो थोड़ा पूछेंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि कई डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते, और ये कई डॉक्टरों का नहीं है, कई इंसान, कई लोगों का, कई टीचरों का, कई लोगों का है। होता क्या है, एक अच्छा टीचर जो होता है उसको ये जानना जरूरी है कि आगे वाला जो है उसको कितना पता होगा, राइट, या कितना पता नहीं होगा। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं तो ही आप उसको सही से सिखा सकते हैं। सेम गोज फॉर डॉक्टर, सेम गोज फॉर टीचर और एनीथिंग, राइट। सो डॉक्टर को पता ही नहीं, आपको क्या पता, डॉक्टर को जितना पता उसको लगता है सबको पता होगा, मेडिकल टर्म नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता होगा, ऐसा होता है, या तो आपको कुछ भी नहीं पता तो वो टेंशन ही नहीं लेता कि यार क्या पढ़ाएं इनको, इनको तो कुछ भी नहीं पता होगा, तो मोटा मोटा बोल देता है सूजन है, ऐसा है वैसा है,
तभी लोग कहते हैं कि सर हमारे तो इसमें ये है, हम भी थोड़ा, एनीवे छोड़ो, हंसी भी आती है। ऑल राइट, प्रतीक सिंह, सर आई एम 22, मेरे बैक में मिड बैक स्पाइन एंड बगल में हार्ट साइड अकड़न आ गई है। मिड बैक स्पाइन के बगल में हार्ट साइड यानी लेफ्ट साइड, सुबह उठो तो पेन होता है, ऐसा कई बार हो चुका है, व्हाई इट हैपेंस, क्योर प्लीज एक्सप्लेन। ठंड में मसल स्पाजम्स बहुत हो जाते हैं, बहुत बार मैंने बताया जनाब पानी कम पीते हो तो पानी पीना शुरू करो, बात वहीं आपकी ठीक हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मसल स्पाजम का रीजन है, उल्टा सीधा सो जाना, वाइटामिन डी वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी, कई बार हम बता चुके हैं, और ये दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इंसान भाग दौड़ में लगा पड़ा है, पैसे कमा लूँ पैसे कमा लूँ, कुछ बन जाऊँ कुछ बन जाऊँ, पढ़ लूँ पढ़ लूँ पढ़ लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, ये स्ट्रेस वो आगे बढ़ रहा है, ये वो ये वो ये, या तो क्रिकेट या तो वो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, राइट। कितने लोग हैं जो ठंड में मुश्किल से 1 लीटर पानी पीते होंगे, आप जितने लोग देख रहे हैं उसमें अपने आपको देखिए, मुश्किल से 1 लीटर पानी पीते होंगे, जरूरत हो तब पीते होंगे नहीं तो नहीं पीते होंगे। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मसल स्पाजम होना ही होना है, राइट। सो हम सोचते बैठेंगे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट के सारे टेस्ट करें, भाई बेसिक्स तो ठीक करो, पहले बेसिक ठीक करो, हो सकता है खत्म, बात ही खत्म हो गई, नहीं हो रहा। हार्ट का मैंने 25 बार बताया कि हार्ट का तभी होगा जब वो दौड़ेंगे, यानी एक्जर्शन हो या कोई सामान उठा रहे हैं, धड़कन बढ़ती है और हार्ट में जो भी पेन है, हार्ट से है तो वो पेन बढ़ेगा, अनलेस अनटिल आपको डायबिटीज है, डायबिटीज है तो साइलेंट पेन अटैक, साइलेंट अटैक हो सकता है, नहीं तो पेन बढ़ेगा, ठीक है। उस पे सब पे वीडियोस हैं, हार्ट पे वीडियोस हैं, मस्कुलर पेन पे वीडियोस हैं, चेस्ट पेन पे वीडियोस हैं, और देखिए जाके। ऑलराइट, एंडी कूल, एंडी कूल, सर आई एम हैविंग पेन इन द नेक व्हाइल बेंडिंग नेक बैकवर्ड्स, मसल स्पाजम्स नंबर वन रीजन। इसमें आपकी उम्र, आपका रहन सहन ये देखा जाएगा, आप ज़्यादा ही मोबाइल में घुसे रहते हैं वो देखा जाएगा। एक यही सारे पॉइंट मैंने जो बताया, मसल स्पाजम के अप्लाई करिए, एक एक्सरे करके देखिए कहीं ऑस्टियोफाइट्स या स्पॉन्डोलाइसिस के कोई चेंजेस, कोई डीजनरेटिव स्पाइन डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर वैसा कोई एक्सरे में चेंजेस या बोन जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में जो हड्डियाँ उसके बीच का गैप कम तो नहीं हो गया, अगर ऐसा कुछ है तो फिर MRI या फर्दर हमको नर्व स्टडीज NCV कराने की जरूरत भी पड़ सकती है। NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, कि एक नर्व में क्या होता है, सेंसेशन होता है, ब्रेन बोलता है भैया ये हाथ हिलाओ तो वो जुप से जाता है इतना तेज, मतलब दुनिया की कोई लाइटनिंग स्पीड नहीं होगी इतनी स्पीड कि ब्रेन ने बोला हाथ हिलाओ तो हाथ हिल गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, रख के बताते, मान लीजिए कि सारे हाथ हिल गए लेकिन इधर जाने वाली की जो स्पीड है, नर्व की स्पीड स्लो हो गई, तो ये हाथ हिलेगा, ये इतना सा हिलेगा, या ये ऐसे ऐसे हिलेगा, बस हो गया, मेरा काम हो गया। सो दैट माइट बी अ नर्व कंडक्शन डिफेक्ट, दैट नर्व, वो नर्व उस पर्टिकुलर जगह की जाने वाली नर्व दब रही हो सकती है, इन्फेक्ट हुई हो सकती है विटामिन B12 डिफिशियंसी से, उसके ऊपर की कवरिंग निकली हो सकती है, डीमाइलिनेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि माइलिन शीट जब होती है तो जंप 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 करके जाती है, सिग्नल नहीं होती है तो फिर वो स्लो जाती है। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको समझना है कारण और बात करनी है न्यूरोलॉजिस्ट से कि आपके केस में क्या कारण है और इसको डील करना है। मेन पहले डिहाइड्रेशन, सेकंड मसल, विटामिन डी B12। हेलो सर, मेरे पांव की उंगली में नीचे अंडर अंदर की साइड पे जख्म हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या करूं इसके बारे में कुछ बताएं। सबा खान जी, बहुत कॉमन है, ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है और कुछ नहीं होता है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये पसीना आ सकता है, ऐसे नीचे के टाइम पैर पैर है, पैर के नीचे या उंगलियों के बीच में, यहाँ पर जो होता है ना, ये यहाँ यहाँ पैरों में, राइट नीचे, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे ड्राइनेस रखिएगा, एंटी फंगल क्रीम लगाइए, ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको एंटी फंगल दवाई लेनी पड़ सकती है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, स्किन के डॉक्टर को, पहले क्रीम से ट्राई करेंगे, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ ठीक, अगर ठीक भी हो गया, ठीक होने के बाद में भी कई दिन तक लगाना पड़ सकता है, ये बात याद रखिए। फंगल वाली मेरी वीडियो है वो जाके देखिए, अगर क्रीम से नहीं होगा तो फिर हम जाएंगे दवाइयों से, दवाइयाँ और क्रीम दोनों आपको एंड डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, बाकी अगर ट्राई करना है तो रिंग वर्म वाली क्रीम, रिंग गार्ड ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, क्या हो गया ये, सर ज्यादा पानी से किडनी पर असर हो सकता है क्या? नहीं ना, रीजन
ऐसा है, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपका यूरिन ज़्यादा आता है, किडनी बहुत सिंपल काम कर, अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हो और यूरिन ज़्यादा नहीं आ रहा तो ज़रूर किडनी पे इफेक्ट होगा, तो आपकी बॉडी में सूजन आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी, इतना पानी ओवरलोड पानी ओवरलोड पानी छोड़ेगी यहाँ वहाँ, पानी कहाँ छोड़ेगी, चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे, स्किन थिकनेस, पैर में सूजन, पेट में सूजन, चेहरे पर सूजन, हाथ में सूजन, ऐसा आ रहा है तो भाई आप ख़त्म पानी पियोगे नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर बोलकर पानी कम पियो, बात समझ रहे हो, अगर ऐसा नहीं है किडनी नॉर्मल है तो क्या होगा, आपको हर 3 घंटे 4 घंटे पेशाब आएगा, किसी का जब पेशाब पहले कलर वाला आता था अब वाइट हो जाएगा, और किसी के पेशाब में स्मेल आती थी वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जनाब, पानी पियो जोरदार पर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि किडनी को एक बार तो पीते ही नहीं और दूसरे दिन 10 लीटर, ऐसा नहीं करना, स्लोली इंक्रीज करो, टेक 1 to 2 weeks और कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, 4 लीटर के हिसाब से तो पीना चाहिए, 5-6 लीटर भी लोग पीते हैं और कुछ नहीं होता उनको, ठीक है ना, कुछ नहीं होता मतलब किडनी ठीक रहे एडजस्ट कर लेती है। ओके 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 अनलेस आंटी स्टोन है तो फिर वो ब्लॉक होके जाएगा, तब प्रॉब्लम अगर हो रहा है ऐसा कुछ देन दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है ज़्यादा पानी पीने से, अल्ट्रासाउंड करा के देखें या एक्सरे के यू भी होता है, IVP भी होता है, IVP या वही होता है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। सर आई एम, ये तो हो गया, ये भी हो गया 19-year-old मेल मेडिकल स्टूडेंट, आई हैव अपीयर्ड थिन लाइन ऑफ हेयर ऑन द टॉप, आई हैव अपीयर्ड थिन लाइन ऑफ हेयर ऑन टॉप ऑफ हेड, व्हाट टू डू टू स्टॉप रिसीडिंग लाइन ऑफ टॉप ऑफ हेड एंड व्हाट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इफ एनी। 19 साल के लोगों में ऐसा नहीं होता अनलेस एंड अंटिल आपने जोरदार लगातार खतरनाक चीज़ें लगाए हैं, कभी ऐसी खतरनाक डाइज लगाई है, कभी आपने खड़े करे हैं, कभी मतलब केमिकल ट्रीटमेंट, अगर बहुत केमिकल ट्रीटमेंट तो ही होगा, एंड डोंट वरी, ऑल यू नीड इज प्रोटीन्स, प्रोटीन बढ़ा दो अपनी डाइट में, थोड़ी मसाज करो सर पे, थोड़ा अपना एक्सरसाइज करो एंड यू विल बी फाइन, पिछले कुछ कुछ महीनों में ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको खुजली होती है तो एक बार स्काल्प जाके दिखाइएगा, फंगल इन्फेक्शन या सोरियोसिस या ऐसी कोई स्किन के ऊपर इशू हो सकती है बिकॉज ऑफ विच, उसके वजह से आपकी स्किन डैमेज करके जो हेयर ग्रोथ होनी कम हो सकती है, वरना 19 साल की उम्र में कतई आपको वो नहीं हो सकता जो वो बुढ़ापे में आता है ना, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ओके इंडियन एकेडमी मनीष बनीवाल, इंडियन एकेडमी को हाय, और मनीष जी को सर जी बिल्ली से एलर्जी है और बिल्ली मुझे पालनी है। ये हुई बात, मतलब जिससे एलर्जी हो पालनी है, तो पहले आप क्या करिए, बिल्ली के बाल ले आइए कुछ, ठीक है, हाथ मत लगाइएगा खुद, देखिए ये मैं खुद आपको सेंसिटाइजेशन प्रोसीजर दे रहा हूँ, काम करेगा कि नहीं करेगा कह नहीं सकते, बट करेगा तो मुझे भी बताना, लेकिन 2 बाल ले आइए, 2 बालों से बस दिन में एक बार, कभी कभी पहले एक रोज़ एक बार अपने हाथ में एक बार टच करके देखिए, एक बार टच करिए, एक हफ्ता टच करिए, एक हफ्ता टच करने में आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है टच करके रख दीजिएगा, अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो दिन में 2-4 बार टच करिए, फिर करते रहिए, फिर उसके बाद अपनी स्किन पर कॉन्टैक्ट करके रखिए, फिर भी रिएक्शन नहीं, अगर कभी भी रिएक्शन आएगा तो रुक जाना है, अगर रिएक्शन नहीं आ रहा तो एक्सपोजर बढ़ाते जाइए, फिर कुछ बाल ज़्यादा लेकर आइए, फिर ले आइए, फिर अल्टीमेटली बिल्ली ले आइए ऐसे, और बिल्ली एकदम से मत लाइएगा, पहले जाके बिल्ली को टच करिए, ये करिए ऐसे कुछ धीरे धीरे, इसको आप 1 से 2 या 6 महीने का कोर्स रखिए, तब आप बिल्ली पाल पाएंगे, अगर आपको एलर्जी है तो, नहीं एलर्जी है तो फिर वो कुछ नहीं, अगर स्किन एलर्जी है तो अलग चीज़, लेकिन एक होती है बिल्ली के बाल जो होते हैं पोलन से एलर्जी है तो वो सूंघने वाले इसमें है तब फिर आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और सूंघने वाले इसमें उसकी एलर्जी का भी एक्सपोजर ही बात होती है, फिर कभी कभी जाके बिल्ली से मिलके आओ, अगर उसको जब भी आते हो तो फिर एलर्जी होती है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या या तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी कई लंबे समय तक, और स्लो एक्सपोजर से हो सकता है आपको उससे डिसेंसिटाइजेशन हो जाए, होगा कि नहीं होगा, काम करेगा कि नहीं करेगा टाइम बताएगा। एलर्जी वाला वीडियो देखना, उसमें समझाया मैंने कि क्या चीज होती है। ओके और मेरे को लगता है 10 सवाल हो गए क्योंकि हम बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं, चलो बीच में से सवाल ले रहा हूं अभी क्योंकि वो घूम गया है, सॉरी फॉर दैट। नेहा जी क्षमा करिए, इंस्टा चेक करने का तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा अब क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा ऐसा बिजीनेस बोल रहा हूँ, बिजी इतने हो गए कि वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंस्टा कहाँ चेक करेंगे, बट इंस्टा पे मैसेजेस तो चेक नहीं कर सकते, हाँ कमेंट्स अगर आप करते हैं इंस्टा के किसी मेरे पोस्ट पे, नए वाले पोस्ट पे, तो ज़रूर मैं पढ़ लेता हूँ, उतना आप समझिएगा, तो समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और राइट, ये क्या है, दही और लस्सी में कैल्शियम है, बिल्कुल है जनाब, दही लस्सी में कैल्शियम नहीं, दूध दही पनीर लस्सी छाछ दबा के पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठंड में कैसे पीना है, ठंडा ठंडा नहीं पीना है, ठंडा ठंडा नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के पियो, कैसे लाना है
भैया ग्लास में भरिए लस्सी, ग्लास में भरिए आप दही, और ग्लास में या किसी में भी, और गर्म पानी में रखिए उसको, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर गिलास रखिए, टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर पी लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही, आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो, बट टेक्निकली ठंडा पियोगे तो गला ख़राब होगा, वरना नहीं। ठीक है, सेम गोज़ फॉर एनी फ्रूट। स्टमक खराब है एहतलाम होता, क्या सर? स्टमक खराब हा और एहतलाम होता, क्षमा करिएगा, एहतलाम होता मुझे समझ नहीं आया क्या है ये। स्टमक खराब है तो आप डाइजेस्टिव हेल्थ वाले वीडियोस देखिए, जैद अली जी, जैन अली जी, डाइजेस्टिव हेल्थ नीचे है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हर एक एंगल से समझा देंगे कि क्या करना है आगे। राइट, पाकिस्तान वालों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भी चलती है वहाँ, है कि नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके सर जी, रेक्टल ब्रीडिंग, रेक्टल ब्रीडिंग नहीं होती भाई, ब्लीडिंग होती है। पंकज जी, ब्रीडिंग मत करिए, 1 से 2, 2 से 4 रेक्टम नहीं उगाने हमें, ब्लीडिंग हो रही है। अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, फिशर पाइल्स या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी बीमारी हो सकती है। नीचे से एक बार जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा पाइल्स है, फिशर है, क्या है। फिलहाल के लिए लूज स्टूल करने वाली दवाई, लूज नाम है, लूज, वो जाके 10 ml लेना शुरू करिए कि लूज स्टूल आए, लैट्रिन में ताकत मत लगाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, फाइबर ज़्यादा खाइए। बाकी सर्जन से मिलिए, वो जाँच करके बताएंगे कि थल्ले की हो रहा है, मतलब नीचे क्या हो रहा है, उसके बाद उसके हिसाब से इलाज होगा। पैर का घुटना टक टक क्यों करता है? आनंद जी, इस पे फुल डिटेल वीडियो है हमारा, घुटने से आवाज़ क्यों आती है, जाके देखिएगा, आपका बहुत ही ज़ोरदार जवाब है वहाँ मिलेगा। बाकी एक छोट में बता देता हूँ, घुटने के अंदर एक्चुअली एयर बबल बनता है, मानेंगे? कैसे बनता है वो समझाएंगे वहाँ पे, और यह नॉर्मल है। अगर आपको पेन हो रहा है तो एब नॉर्मल है, वरना नॉर्मल है। जाके एक बार यही चीज़, घुटना क्या बोलते हैं, पॉपिंग नी, पॉपिंग नी साउंड बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। वेट लॉस के लिए मनिंदर जी, अतई वीडियोज अतई हमने बहुत सारे बना रखे हैं, एक बार प्रोफेशनल टिप्स वाला वीडियो देखिएगा वेट लॉस का, वो फॉलो करके देखिए, उससे हमें मतलब अच्छे से भरोसा है कि सबका वेट लॉस होना चाहिए। नहीं होगा अगर उससे भी, तो फिर थायराइड, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं, थायराइड और कॉर्टिसोल, सब कुछ टेस्ट होते हैं जो कराने चाहिए कि भाई आपका कुछ इशू वहाँ तो नहीं चल रहा, इसके चलते वेट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू निर्मल सिंह जी, लव यू टू, ऑल ऑफ यू लव यू। राइट, कितना टाइम हो गया भाई, 22 मिनट हो गए, 22 मिनट। लेट्स सी, हेलो डॉक्टर, कुड यू शेयर समथिंग अबाउट क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, व्हाट इज द प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल? आई डोंट बिलीव दैट देर इज समथिंग लाइक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, आई बिलीव दैट पीपल डोंट नो द रीजन, दैट्स वाई दे से इट्स क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ठीक है, दुनिया में इट्स बेसिकली सी मेडिसिन, एलोपैथी ऐसी नहीं है कि जिसने बोल दिया किताब में लिख दिया तो वो ही सच है ना, आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन क्रोनिक फटीग सिंड्रोम वो है कि जब कोई कारण नहीं पता चलता, सब कुछ ठीक है फिर भी फटी है। इट्स पॉसिबल दैट प्रॉब्लम इज हियर इन द माइंड, इट्स पॉसिबल कि बंदा खुश ही नहीं है, इट्स पॉसिबल कि आपकी बॉडी आपको खुद को शीशे में देख के यू आर नॉट हैप्पी, इसलिए थके थके फील होते हो, इट्स पॉसिबल आप दुखी हो, किसी बात से चिंतित हो, परेशान हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन जो नहीं पता चली हमें, जो नहीं अभी हमने ढूंढ के निकाली। सो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसी उस चीज़ को मैं, कोई दवाई तो है नहीं तो उसको अलग से मैं ट्रीट करता हूँ, यानी बाकी चीज़ों से। सो आई होप आप समझ रहे हैं बात को मेरी। 26 में आफ्टर सेक्स वीकनेस होता है, कौन से वेजिटेबल फ्रूट ज़्यादा ले? रेड मैपल जी, भैया एक्सरसाइज करने के बाद वीक तो फील होगा थोड़ा सा, है ना, अगले दिन वीक रहते हैं तो अलग बात है। ठीक है, अगर उसी समय आफ्टर सेक्स फील हो रहा है, दैट इज़ ओके, उसके बाद सोना पड़ता है, उसके बाद रिलैक्स करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट द थिंग इज, और एल्स यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर डाइट। डाइट में किसी भी प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने से आपकी डाइट की फाइबर कंटेंट बढ़ेगी, एनर्जी लेवल्स आपके तब बढ़ेगी जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएंगे, यानी जब भी खाते हो सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स, राइस राइस कम खा के रोटी जो है, रोटी या चावल जो रोटी बनाते हो ना घर में, उसको क्या करो, उसमें डाल लो थोड़ा सा चने की दाल का आटा पिसा लो, और या उसमें डाल लो सोयाबीन, सोयाबीन का आटा, तो मे बी लाइक 10-20% 20% ये, और बाकी 80% 60% वो, समथिंग लाइक दैट, तो रोटी की थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स काब होगा, स्लोली एब्जॉर्ब होगा, आपका काम हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। और पानी नंबर वन रीज़न है डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो भी ये होगा, पानी बहुत खतरनाक सिम्टम्स देता है अगर वो कम पियोगे तो, और किडनी से लेके हर चीज़ खराब कर सकता है पानी कम पियोगे तो। राइट, इफ़ यू गिव टाइम, क्या है रुपेश गिरी जी, पूरा लिखो करो। ओके, हेयर फॉल एज 18, अभी मैंने ऊपर एक भाई साहब को बताया हेयर फॉल का, वही फॉलो करिए आप। ठीक है, काले लिप्स को पिंक कैसे करें? सिगरेट पीनी बंद कर दो।
सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीज़न, पानी ज़्यादा पियो, सिगरेट पीनी बंद करिए, और समथिंग इज़ देयर, कुछ तो आप इरिटेट कर रहे हो स्किन को, ड्राई स्किन काली होती है, धूप में जाओगे काली होती है, काले लिप्स होते हैं। आई थिंक लिप के काले पे कोई वीडियो है या नहीं है, एक बार ढूंढ लेना, आई थिंक नहीं है, बट टेक्निकली वही है, धूप से बचाना है, सनस्क्रीन लगानी है, मॉइस्चराइज करना है, पानी ज़्यादा पीना है, और प्रोटीन ज़्यादा खाना है, क्योंकि अच्छी स्किन तो प्रोटीन से ही बनेगी, है ना। और एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा हेड लो करिए, लिप्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाज करिए, है ना, और किसिंग से भी एक्चुअली लिप्स अच्छे रहते हैं, तो वही अगर शादीशुदा हो या किसिंग करते हो तो करते रहो। सर जी, इनटेक ऑफ ईवियन हार्मफुल फॉर हेल्थ? नो नो, डोंट वरी, ईवियन ले सकते हो आप, ऐसा कोई हार्मफुल नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर लेना है, बीच में आपने समझो महीना भर ये दवा ले ली, उसके बाद हफ्ते में एक दो बार ले लेना बहुत है, समझ रहे हो। सो ऐसा नहीं ज़िंदगी भर घपा घप ईवियन ही ईवियन खा रहे हो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। येस, कोल्ड शावर इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, बट टेक्निकली द बेस्ट शावर इज़ कि आप थोड़ा सा वार्म से शुरू करें, ताकि आपकी मसल जो है, जैसे ठंडा ठंडा पानी आपकी स्किन में लगेगा ना, आपकी स्किन की सारी मसल्स हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। बेस्ट ऑप्शन इज कि थोड़ा गर्म से शुरू, गर्म यानी नॉर्मल से गर्म से शुरू करो, सो दैट योर मसल्स गेट अ लिटिल रिलैक्स। जो अगर सुबह सुबह रात भर में उठे हैं आप और एकदम मान लीजिए अकड़न है, कहीं यहाँ दर्द है, कहीं वहाँ दर्द है, उस पर जाके ठंडे पानी से नहाओगे तो वो और ज़्यादा मसल, फिर वो लगे भैया दर्द हो रहा, ऐसा नहीं। सो उस समय थोड़ा वार्म वाटर आपके लिए अच्छा है, तो वार्म वाटर से योर मसल्स विल गेट रिलैक्स, राइट। नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन के लिए बहुत अच्छा है वार्म वाटर बात, तो वार्म वाटर से एंड आप सब ठंडे से करो, एंड ठंडे से इसलिए करना है कि ऐसा ना हो कि भाई मसल इतनी ही रिलैक्स करके आप भाई घूमते फिर रहे हो। सो आपकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी ठंडे पानी तक जाके, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, उनके अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड थोड़ा सा पंप आउट होता है, एंड अ लिटिल बिट मोर ब्लड देन कम्स इन, तो सर्कुलेशन थोड़ा सा आपका एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, ओके देन। आदनान खान जी पूछ रहे, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन ना ले तो फिर कब लेना चाहिए? इनको भाई साहब बताएं, चलो हम बता ही देते हैं। प्रोटीन लेना पड़ता है जब आपकी डाइट में प्रोटीन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं, प्री वर्कआउट ले रहे हैं प्रोटीन, या आप रात को सोते समय ले रहे हैं, या सुबह उठते समय ले रहे हैं, अल्टीमेटली मैटर करता है कि 24 घंटे के अंदर आपके अंदर प्रोटीन कितना गया, और एक टाइम पे आपके अंदर कितना प्रोटीन गया। अगर एक टाइम पे आप 50 60 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे एक टाइम पे, तो आपकी बॉडी उतना एक साथ यूज़ नहीं कर सकती, आपकी बॉडी उसको कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट फैट्स में बनाएगी। इसलिए एक टाइम पे कोशिश करिए 30 ग्राम के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम तक प्रोटीन खाइए, कम से 20 ग्राम प्रोटीन खाइए, 20 से 40 ग्राम नहीं, एवरेज 30 ग्राम प्रोटीन खाइए, और ऐसे ही है, दिन में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 120 ग्राम की है तो 4 बार प्रोटीन खाइए, अब वो 4 बार में एक बार स्कूप ले लो, 3 बार वैसी नॉर्मल डाइट में ले लो, इस तरह से प्रोटीन पूरा होता है। कॉन्सेप्ट आपको बेसिक किसी ने नहीं समझाया, इसलिए आप हमारा वो वाला वीडियो देखिए, और प्रोटीन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके सारे वीडियो देखिए, आपको समझ जाएगा। नमस्कार जी, स्टीम का बेनिफिट मसल रिलैक्सेशन के लिए है, मसल रिलैक्स करता है, थोड़े बहुत पोर्स को वो लूज़ कर देता है, तो इंटरनल क्लीनिंग भी हो जाती है, दैट इज़ गुड। लेकिन स्टीम एक्चुअली में ड्राई करती है स्किन, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि स्टीम ले रहे हैं तो पानी भी पीना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि स्टीम लेते हुए तो स्किन एकदम मस्त मॉइस्चराइज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कृपया उसको समझिएगा। स्टीम लेने के बाद जब आप बाहर से सोख करके उसको निकालेंगे, उसके बाद आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर स्किन, पानी ज़्यादा पीजिए, स्किन केयर के वीडियो देखिए, सूरज से बचिए, अपने स्किन को सुनिए, समझिए। कोई भी दुनिया में स्किन केयर रूटीन फिक्स नहीं है, मैं ये पेशेंट्स को बता रहा था आजकल में कि यार होता क्या है, हम सोच के चलते हैं कि भी डॉक्टर ने रूटीन दिया, मैं रूटीन फॉलो कर रही हूं, मैंने तो 10-10 रूटीन चेंज कर ली, मेरा हो नहीं रहा कुछ ना, स्किन परफेक्ट नहीं बन रही है। परफेक्ट स्किन तभी होगी जब आप अपनी स्किन की बात सुनेंगे। अगर आपको स्किन ड्राई लग रही है, सो यू नीड टू मेक इट मोर वेट, वेट मतलब मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज के लिए पानी ज़्यादा पीना है, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ऑयल्स या ऐसे आपके उसको चेक करना पड़ेगा, आप क्या क्या वो लगा रहे हो, कॉस्मेटिक्स क्या लगा रहे हो, अच्छी चीज़ें हैं जो प्रोटीन स्किन में कर सकते हो। अल्टीमेटली यू हैव टू बी योर ओन इन्वेस्टिगेटर, अगर खुद नहीं करोगे तो कोई भी डॉक्टर आपकी मदद उतनी नहीं कर सकता जितनी आप खुद कर सकते हो। आई होप दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो, आपको भी मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया, और कल फिर मिलते हैं। आज का वीडियो कोई आएगा कि नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता, अगर मुझे मौका मिले तो मैं वीडियो बना लूंगा, नहीं तो घर वाले डांटते हैं। ओके बाय, सी यू, रात ज़्यादा होगी ना, गुड नाइट, बाय बाय।